समाजवादी पार्टी की राजनीति एम वाई फैक्टर पर बेस रही है। मुस्लिम यादव समीकरण को सेट करके समाजवादी पार्टी सत्ता के शीर्ष पर भी पहुंची है, लेकिन यही समीकरण एक बार फिर से अखिलेश यादव दोहराना चाहते हैं और यही वजह है कि अल्पसंख्यकों की राजनीति में वो जुट गए हैं। उसके लिए चाहे मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन ही क्यों ना करना पड़े। आज अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे, उनके परिवार के साथ तकरीबन एक घंटा बिताया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही साथ प्रदेश सरकार पर हमला भी बोला। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं और उनसे बात करते हैं हम और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अखिलेश यादव की यह राजनीति एक बार फिर से सफल होने जा रही है, क्योंकि पहले सपा को गुंडों की पार्टी भी कहा गया, लेकिन अखिलेश यादव जब पार्टी में आए, जब उन्होंने कमान संभाली तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध किया। 2017 में जब कौमी एकता दल का विलय हो रहा था मुख्तार अंसारी की पार्टी का, तब अखिलेश यादव खड़े हो गए, तो उन्होंने विलय नहीं होने दिया सपा में। लेकिन अब अखिलेश यादव उसी मुख्तार को सियासी वोट बैंक समझ रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको? ये देखिए, मुख्तार जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो उनके पुराने कृत्य थे उसके हिसाब से देखा था, जनमानस की भावनाओं को देखते हुए मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मगर हाँ, ये कहूँगा कि उनके कोई कार्य अच्छे तो थे नहीं। अगर उनके साथ हो सकता है दुर्भावनावश हो गया हो कुछ भी, और जैसा हमने सुना है कि उनको अटैक पड़ा था, तो स्वाभाविक है, अटैक पड़ना एक नॉर्मल चीज़ है, पड़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उनको पड़ गया तो उसमें कोई विषय बनाने का नहीं है कि उसको चर्चा में लिया जाए, क्योंकि कोई अच्छे और सभ्य आदमी तो थे नहीं समाज की नज़र में। अब बाकी पार्टी स्टैंड क्या है वो तो पार्टी अपने अपने हिसाब से ही देखती है। अखिलेश यादव वहाँ पर जा रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उनके बिहाफ पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, राजनीति किस दिशा में जा रही है? राजनीति तो देखिए, होता क्या है कि हर पार्टी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। अब उनको उसमें आशा दिखती होगी भाई, कहीं ना कहीं 15% वोट है, तो लाजमी के उनका थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अखिलेश यादव जी को। तो देखिए, है क्या, 15% वोट के साथ साथ हम कहीं ना कहीं समाज के सभी हमारे हिस्सेदार हैं। इस भारत देश में सभी का सम्मान है और सभी का मतलब रहने का अधिकार है, तो हमारे को सबके दुख में शामिल होने की ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि मरे हुए को गलत नहीं कहा जाता, मरने के बाद वो स्वर्ग चला जाता है, चाहे जहाँ भी जाता हो, तो उसका सम्मान, मरे हुए का तो सम्मान करना, अगर अखिलेश जी जा रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब आदमी जीवित होता है तो अच्छाई बुराई होती है, और जब वो स्वर्ग सिधार जाता है या जन्नत चला जाता है, कहीं भी चला जाता हो, हमारा काम होता है हम उनका सम्मान से ही नाम लें। जब बात होती है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि बदलने का प्रयास किया था। जब कानपुर से चुनाव लड़ने के लिए बात हुई थी अतीक अहमद की, तो उन्होंने विरोध किया और अतीक अहमद का टिकट यहाँ से काट दिया गया। उसके बाद जब कौमी एकता दल, जो कि मुख्तार अंसारी की पार्टी थी, उसका विलय जब हो रहा था, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने शिवपाल चाचा से बाकायदा मोर्चा लिया और शिवपाल यादव को पार्टी से निकाला भी गया। लेकिन आज वही स्टैंड अखिलेश यादव बदल रहे हैं, तो अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है? देखिए, ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है। जब आज वही शिवपाल उनके बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? ये इनके यहाँ परिवारवाद पार्टी है, पूरा परिवार सुरक्षित चीज से लड़ना चाहता है। रही मुख्तार अंसारी की बात, तो मुख्तार अंसारी उनके राजनीतिक परिवेश में थे और उनका भाई आज भी उनके दल से चुनाव लड़ रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से इसमें, वो तो उनके परिवार के, उनके राजनीतिक दल से थे, तो उनके घर का मिलना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अखिलेश यादव की ये सियासत सफल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये वोट बैंक अपना तैयार कर रहे हैं, मोहम्मदनों के भी और हिंदुओं के भी। तो ये हमें नहीं लगता, अभी परसों मैं न्यूज़ देख रही थी तो इन्हीं के चाचा शिवपाल जी क्या नाम खुलेआम कह रहे थे कि अगर वोट नहीं दोगे तो बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि ये कहीं से सही है। बताइए, आपको क्या लगता है? कृष्णा रंजावा को मर्डर किया, कितने लोगों के कब्जा करते रहते हो, कभी अच्छा था नहीं। और जाहिर है कि यहाँ कोई इनका यूपी में कभी ये अखिलेश यादव आने को चाहते कि मेरी पैठारी हो, वो होना नहीं। 80 की 80 सीट योगी के ही उसमें आएगी, और सिर्फ ये चाहते हैं कि उसको थोड़ा बदल के और हम अपने पार्टी में कर लें, तो कहीं ऐसा हो नहीं सकता। और बीजेपी ही आना है, वो कुछ भी कर लें। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को रिझाने की राजनीति चल रही है, उनके घर पे जा रहे हैं अखिलेश यादव, और इसके बाद लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है उनके पक्ष में, क्या मुस्लिम उनको वोट देंगे? मुसलमान अब समझ चुका है, ये हमारा जो क्षेत्र है मिला जुला है, इधर पटकापुर है, इधर मूलगंज है, यहाँ से सब आदमी एक दूसरे के जाते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, कोई यहाँ कुछ नहीं है।
यहाँ सांप्रदायिकता कुछ नहीं होगी और चुनाव जो है बहुत ही शांतपूर्ण माहौल से हमेशा हुआ है, कभी यहाँ झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। इसलिए ये क्षेत्र बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब की तरह बिल्कुल शांत और शांतिप्रिय है। अखिलेश यादव जिस तरीके से मुख्तार से प्यार जता रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिमों का वोट मिलेगा? ये ऐसा है कि ये तो उनका पारंपरिक है, मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश तक आए हैं, क्योंकि जो हिंदुओं का वोट था वो सब भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब ये मुस्लिम की तरफ भाग रहे हैं। और वैसे भी उनको जाना था क्योंकि उनको संरक्षण चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए, संरक्षण के चक्कर में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति खाई पार्टी जा रही वो प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदेह है, व्यापार के लिए नुकसानदेह है और देश के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए इस सब चीज़ों से उठ के वोटरों को वोट देना चाहिए और बड़ी संख्या में वोटर निकल के वोट दें और उस जहन में अपने लेके निकले कि हमको शांति चाहिए। मुख्तार मुद्दे का फ़ायदा क्या सपा उठा पाएगी, जिस तरीके से सपा के जो अध्यक्ष हैं लगातार कहीं ना कहीं से बयानबाजी करते हैं और आज मुख्तार के घर भी पहुंच गए? देखिए सर, यहाँ पर राजनीति होती है, इसी जो पॉलिटिक्स का एक ये नियम होता है कि हम लोग एक कम्युनिटी को पकड़ के राजनीति करते हैं। जैसे भाजपा की राजनीति हिंदुओं से है, समाजवादी पार्टी की राजनीति अदर कम्युनिटी से है, तो इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। मुख्तार अंसारी के घर जाने से अखिलेश यादव को क्या मुस्लिमों का वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज हम खाली ये देख रहे हैं कि भय मुक्त समाज है, विकास हो रहा देश का, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए भैया कुछ नहीं, केवल बीजेपी एक सबसे अच्छी पार्टी है, उसी को वोट किया जाए। और हम चाहते हैं सारे ही पूरे देश के आदमी एक एक वोट बीजेपी को दें, हिंदू मुस्लिम सब सब, और देंगे, मुस्लिम भी वोट देगा, आपकी बात मोमडन भी वोट देगा। तीन तलाक और ये जितने आतंकवाद मुद्दा, मोदी जहाँ जहाँ गए हैं हर जगह आतंकवाद की बात किया है, और आज कवर है आज हमारे देश में आतंकवाद। भाई साहब आप बताइए क्या लगता है, क्या मुसलमान अखिलेश यादव को वोट करेंगे, जिस तरीके से वो लगातार माफिया मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन करते आए हैं, साथ ही साथ उनकी मौत पर सवाल उठाते आए, आज उनके घर पर भी पहुँचे? देखिए है क्या, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी कार्यशैली जो है पूरी जो है मुस्लिमों के आधार पर टिकी है, और कुल मिला के कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर एक आत्मवाद की भाषा को और शैली को लेकर चली आ रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कराने का कार्य किया है, और विकास की पार्टी अगर कोई बात करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, पूरे प्रदेश में और देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अब देश के अंदर नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को ख़त्म करने का काम किया है, भूमाफियाओं को साफ करने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव में मुँह तोड़ जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर परचम लहराने का काम करेगी। भोली भाली जनता को जो ये डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कहीं पर कहीं कोई विषय फंसने वाला नहीं है, सब साफ हो चुका है, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आतंक बहुत किया था तो उनको उस चीज़ का फल मिला, हमें तो इतना पता है। उन्होंने जिस प्रकार का आतंक, उनकी वीडियो देखते हैं, उन्होंने बहुत आतंक किया था, उसको मेरे आनंदेश्वर बाबा भोलेनाथ ने उनको उतना ही फल दिया। अब वो कैसे मरे, क्या हुआ, ये तो भगवान ही उठ रहे हैं। उनकी मौत पर भी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं उनकी मौत पर। अब सवाल उठते रहेंगे, उन्होंने इससे पहले क्या किया था, सवाल तो उठते रहेंगे, उन्होंने जो किया उनको उस चीज़ का फल मिला। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं। अपराध मुक्त जो समाज हमको दिया वो योगी महाराज ने दिया, और आज चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो, उसकी लड़कियां सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। महंगाई के लिए मैं इशू नहीं कर, क्योंकि महंगाई तो आती जाती रहेगी, क्योंकि जैसे आज पहले आदमी जो 200 रुपए मजदूरी कमा रहा था, आज 500 से 700 कमा रहा, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी ऑलरेडी बढ़नी। और ये सब देखते हुए हमें इसमें कोई इशू नहीं नज़र आता कि हम इसमें मोदी जी का डिनाई कर दें। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, दैट्स ऑल।
हम तो कुल मिलाकर के लोग चाहते हैं कि वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, अपराधियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए ऐसा कहना है लोगों का, और अपराधियों का महिमा मंडन करके सपा को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, कम से कम कानपुर के लोग ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वो भले ही मुख्तार अंसारी के बहाने मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाहते हों लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तमाम मुसलमान भी अब जान गए हैं कि उनका स्टैंड लगातार बदलता रहता है।